नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पाकिस्तान को लताड़ने वाले बयान के बाद बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने मन से नहीं बल्कि परिस्थिति के कारण अपना बयान पलटा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, उनके बयान को पड़ोसी देश संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल के पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल पर अपनी बौखलाहट निकाली है। फवाद हुसैन ने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी राजनीति की सबसे बड़ी समस्या कन्फ्यूजन है। आपका रुख वास्तविकता के करीब होना चाहिए। आपको अपने परनाना की तरह दिखना चाहिए, जो कि भारत के धर्मनिरपेक्षता एवं उदारवादी सोच के प्रतीक थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाह फैसल की हिरासत को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शाह फैसल ने अपने खिलाफ जारी हुए लुकआउट नोटिस की कॉपी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 सितंबर तक जवाब देने को कहा है और इस मामले में अगली सुनवाई 3 सितंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को 5 जजों की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है, जो अक्टूबर में इन पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर राज्य में लगी पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार से राज्य में संचार व्यवस्था पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और एक कश्मीरी छात्र को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। सीताराम येचुरी ने श्रीनगर जाकर अपने विधायक दोस्त MY तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा जामिया के एक छात्र को अपने माता पिता से मिलने अनंतनाग जाने की भी अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मामले में ED की गिरफ्तारी से चिदंबरम को राहत जारी रखी है। इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके फैसले के खिलाफ चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। बिहार सरकार में मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने भगवान शिव की जाति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भगवान शिव को बिंद जाति का बताते हुए कहा कि ये पुराणों में भी लिखा है कि भगवान शिव बिंद जाति के थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण ग्वाला समुदाय के हो सकते हैं, भगवान विष्णु क्षत्रिय हो सकते हैं, तो शिव भगवान बिंद जाति के क्यों नहीं हो सकते। लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में अभियुक्त पूर्व बीजेपी सांसद चिन्मयानंद ने इसको अपने खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, इससे पहले कुलदीप सेंगर और अब मैं इस साजिश का शिकार हुए हैं। कश्मीर मसले पर भारत को रूस का खुलकर साथ मिला है। रूसी राजनयिक निकोले कुदाशेव ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है, यह भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला और लाहौर समझौते के तहत हल किया जा सकता है। इसरो ने आज चंद्रयान 2 को चांद की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। चंद्रयान 2 को चांद की तीसरी कक्षा में सुबह 9:04 पर डाला गया। इसके बाद 30 अगस्त को चंद्रयान 2 को चांद की चौथी और 1 सितंबर को पांचवी कक्षा में डाला जाएगा और अंत में 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। गुरु रविदास मंदिर को फिर से बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के 2 पूर्व सांसदों ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे संत गुरु रविदास के अनुयायी हैं और इस स्थान पर नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करते थे। याचिका में कहा गया है कि यह स्थल पवित्र है और अनुयायियों में इसके प्रति अत्यधिक आस्था है, क्योंकि संत गुरु रविदास इस स्थान पर रहे थे। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने 85 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बनाया है। राइट ने बताया कि वह अगले 2 सप्ताह में क्रिकेट से संन्यास लेंगे। बता दें कि वह गैरी सोबर्स, वेस हॉल और रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। ICC ने एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर को चिढ़ाते हुए बेन स्टोक्स को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बताया है। इससे पहले ICC ने विश्व कप फाइनल में स्टोक्स द्वारा खेली गई पारी के बाद सचिन तेंदुलकर के साथ स्टोक्स की फोटो ट्वीट कर लिखा था कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर। और अब ऐसे में स्टोक्स की पारी के बाद ICC ने वही फोटो फिर ट्वीट कर कहा है कि देखो, मैंने पहले ही कहा था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।